राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने अपनी नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी है। उनके पीठ पीछे पार्टी में टूट ना हो और तेजस्वी के साथ कोई धोखा ना कर दे, इसका भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी के आधिकारिक सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जगदानंद सिंह एक बार फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आगे भी संभालते रहेंगे। लालू द्वारा गठित 85 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। राजद में पहली बार 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को फिर से उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा देवेंद्र प्रसाद यादव और उदय नारायण चौधरी को पहली बार आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। देवेंद्र प्रसाद यादव पुराने समाजवादी नेता हैं, जबकि उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर के साथ जदयू के वरीय नेता भी रह चुके हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हाल के महीनों में दूसरे दलों से आरजेडी में शामिल हुए नेताओं को भी शामिल किया गया है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बने रहेंगे। हालांकि 2 दिन पहले तक जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरों के बीच सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्वरूप की अगर बात करें तो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 85 नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। भोला यादव, जयप्रकाश यादव, कांति सिंह और श्याम रजक राष्ट्रीय महासचिव पहले से हैं। इनके अलावा नए चेहरों में डॉक्टर रत्नाकर बीनु यादव, सुखदेव पासवान, यदुवंश प्रसाद यादव, सुशीला मुराले हैं। विधायक भरत बिंद, संगीता कुमारी, संजय ठाकुर, भारत भूषण, मोहम्मद सत्तार, झारखंड के पूर्व सांसद भूरन राम सचिव की सूची में शामिल हैं। MLC डॉक्टर सुनील सिंह प्रदेश कोषाध्यक्ष के साथ साथ अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। राजद के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कुल 28 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिनमें विधायक और सांसद शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजद में शामिल हुए दलों के नेता भी शामिल किए गए हैं। राजद सूत्रों के मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बने रहेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक बार फिर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। उनकी नाराजगी दूर हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से उनकी करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। उनकी यह मुलाकात शाम 6 बजे के आसपास हुई। लालू प्रसाद ने उन्हें फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। लालू प्रसाद यादव ने वरिष्ठ नेता से और भी कई मुद्दों पर बातचीत की। यह साफ हो गया है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि कई बिंदुओं पर वो नाराज जरूर थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मना लिया और बहुत जल्द जगदानंद सिंह एक बार फिर आरजेडी कार्यालय में कार्यभार संभालते नजर आएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।